आज आपको मशरूम का अचार बनाने का तरीका बताते हैं। तो लेकर के आप इसको अपने सिरके में सिरके से साफ करना है, कि पानी से करेंगे साफ तो ये अचार खराब होने का डर रहता है। अब आपको साफ करने का तरीका बताते हैं। साफ कर कर जैसे वो कटिंग करना है, चार पीस में लेने हैं, पीस से चार चार पीस करने हैं। इतने बड़े पीस होंगे ठीक है, या सुंगड़ के छोटे हो जाते हैं। ये इतना चार वेरी टेस्टी बनता है, आप बनाओगे बार बार खाओगे। बनाना भी बहुत आसान है। और ये अपने कटिंग कर रहे हैं। कटिंग करने के बाद सफाई कर रहे हैं। सफाई कटिंग के दौरान जो पीस इन्हें साफ कर लेना चाहिए, काट के इस पर अलग कर देंगे, उसमें पॉइजन होता है। ये ब्लैक वाला पीस अपने निकाल देना, क्योंकि ये खराब करता, टेस्ट भी खराब होगा। टू या थ्री पीस बनाइए। ये अपने कटिंग होके हो गया काम तैयार। अब इसको अपने फ्राई करना। बनाने के लिए अपने सामान गिरना, दो बड़े स्पून राई, ढाई चम्मच भी गिर सकते, एक स्पून अजवाइन, एक स्पून ब्लैक साल्ट काला नमक, डेढ़ स्पून देगी मिर्च, एक स्पून व्हाइट नमक, एक से डेढ़ स्पून तक रेड चिल्ली पाउडर, आधा पौना चम्मच हल्दी। और इसे आप खड़ा खड़ा सा पीसेंगे। और ये मसाला हो गया तैयार। सरसों का तेल गर्म करके फ्लेम को चालू कर लीजिए। अब ये मशरूम अपने इसमें फ्राई करना, हाफ फ्राई करना, फ्लेम को थोड़ा कम कर लीजिए। और इसे आप निकाल लेंगे। ज्यादा फ्राई नहीं करना, फिर बिल्कुल समझ के छोटा सा हो जाएगा। अब ये तैयार हो गया। और इसे हम निकाल देंगे। इस तेल को हम थोड़ा सा ठंडा करके इसी तेल में बना के तैयार करेंगे। फिर हमने इस बर्तन में निकाल दिए पड़े, इसमें मशरूम बनाना। सौंफ हमने इसमें बाद में बनानी, क्योंकि सौंफ का फ्लेवर दाने अलग नजर आते हैं। और इसमें हमने थोड़ा सा इसी बनाने के लिए तेल बनाएंगे, जो अच्छे से मसाले को मिला दीजिए। तेल कम हो तो मसाला अच्छी तरह तैयार। इसमें मसाले में ये फ्राई मशरूम मिला देंगे। ये मशरूम मिलके तैयार हो गया। अब इसे आप किसी कांच की जर्नी में या मर्दवान में भी किसी में भी रख सकते हैं। रखना है
तो फिर तो इसको तेल में डुबो के रखे, फिर ये साल दो साल तक खराब नहीं होता। ये आपने जल्दी खाना है फिर आप इसमें तेल कम इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना ताकि आपको हम नई से नई वीडियो बना के दिखाते रहें।